बहुत सुंदर प्रश्न। हमारे भजन तरी भजन रूप नाव आगे चल रही है कि नहीं, हम कैसे समझेंगे? बहुत अच्छी प्रश्न है साधक के लिए, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, जब कहीं हम गाड़ी में चल रहे हैं तो हम गाड़ी बीच पे बैठ करके हमको पता नहीं चलता गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है, कहाँ तक पहुंचे हैं, कैसे जानते हैं? ना बाहर की दृश्यपट बदल जाता है, ये दृश्यपट देख करके हम फिर जान जाते हैं, ओ अभी कोशी आया, अच्छा ओ अभी पलबल आ गया, अच्छा ठीक है, अच्छा अभी मैंने, अरे इतना जल्दी पलबल आ गया क्या? नहीं, स्पीड हम स्थान के परिवर्तन के साथ साथ हम अनुमान लगा लेते हैं जो हमारे गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है। ऐसे साधन जीवन में हमारे अंदर वो परिवर्तन देखना चाहिए। क्या परिवर्तन? परिवर्तन देखना चाहिए, पहले हमारी जो इंद्रिय वृत्ति है ये भोगनमुखी वृत्ति है, अनादिकाल से अच्छा लगता है, देहदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति हमारी आसक्ति और भोग्य पदार्थ के प्रति हमारे स्पृहा, ये स्वाभाविक, चेष्टा करके भी इससे निवृत्त होना संभव नहीं है, जो हम कोशिश करके इससे निवृत्त हो जाएंगे संभव नहीं है। तो क्या किया जाए? तो जब भजन में प्रवृत्त होते हैं तो भगवत चरण में शरणागत हो करके, जब हम कायमन वचन से भगवत चरण में समर्पित हो करके नाम साधन करते हैं, गुरु आदेश अनुयायी गुरु कृपा अवलंबन करके गुरु चरण में तीव्र श्रद्धा लेकर के जब हम भजन करने में प्रवृत्त होते हैं तो हमारे अंदर वो परिवर्तन आनी चाहिए। पहले क्या परिवर्तन? पहले तो दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे आसक्ति हटनी चाहिए, तत्सहित मन भगवत चरण में लगना चाहिए। माने पहले से हमारे जो वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे आसक्ति थी, जो भी प्रियजन के प्रति हमारे स्नेह ममता अधिक थी, दृश्यमान जागतिक जो वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे चाहन था, वो धीरे 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 वो हटता जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तत्सहित भगवत चरण में मन लगता जाएगा, स्वाभाविक। पहले तो कोशिश चेष्टा करना चाहिए, चेष्टा करते 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 जब चित्त शुद्ध होता है तो स्वाभाविक मन लगता जाता है, भगवत चरण में मन लगता जाता है। भगवत चरण में जितना मन लगता जाता है, दृश्यमान वस्तु पदार्थ से मन उतना ही हटता जाता है, ये स्वाभाविक। रोशनी की ओर हम जितना चलेंगे अंधकार ऑटोमेटिक वो हटता जाएगा, ये लक्षण। तो पहले से हमारे देहदैहिक वस्तु पदार्थ, देहदैहिक वस्तु पदार्थ कोई भी हो, XYZ, क्या पहले जैसे ही हमारी इच्छा है, लालसा है, लालसा की तीव्रता कितनी है, ना पहले से कम हो गया, अब अच्छा नहीं लगता है, अब प्रियजन के जो प्रेम प्रीति ये हमको भय लगने लगता है, नहीं ये हमारे बंधन का कारण, कोई किसी का नहीं है, ये सब मोह ही एकमात्र कारण है, कश्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम, कौन किसका स्त्री पुत्र कन्या परिवार कौन है, मोह ही एकमात्र कारण, ये जान करके मन से उसके प्रति आसक्ति हट जाती है, सब अभी कम होता जाता है, एक बार में नहीं, एक दिन में नहीं, धीरे 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 कम होता जाता है, ये लक्षण। और तत्सहित पहले जो मन को भगवत चरण में लगाने का चेष्टा करते थे, ध्यान धरण मन भाग जाता है, पीर खींच करके लाते हैं, लगाने का कोशिश करते हैं, फिर भाग जाता है, इससे परेशान हो जाते हैं, मन लगता नहीं है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, माने भगवत कृपा से, जब हम भगवत कृपा से हम
आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं तो जाकर के ऑटोमेटिक स्वाभाविक हमारे इंद्रिय वृत्ति जो है, हमारे मन जो है भगवत चिंतन में एक स्वाभाविक तल्लीनता, बिना चेष्टा मन लग जाता है, अच्छा नहीं लगता है, घूम फिर करके बाब जाकर के भगवत चरण में संलग्न हो गया, कुछ काम कर रहे हैं, काम भूल करके भगवत चिंतन में लग गया, फिर मन को खींच करके हम लाते हैं, ला करके देहोदैहिक सांसारिक वस्तु कर्मों के लिए हम मन को लगाने के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर मन भाग, ये स्थिति होनी चाहिए। ये लक्षण के द्वारा हम जान पाएंगे क्या हमारे भजन तड़ी आगे बढ़ रही है कि नहीं। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, एक ही जगह एक ही दृश्य पाठ रोज भजन करते हैं, लेकिन वो स्नेह ममता देवदेवी वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति लालसा, भोग्य विषय अनुराग, भोग्य पदार्थ के प्रति लालसा, प्राप्ति से हमको आनंद होता है, अप्राप्ति से हमको कष्ट होता है, चिंतन होता है, तो समझ लेना चाहिए हमारे नाव आगे नहीं बढ़ रही है। एक सौदागर चल रहे हैं, हमारे बंगाल में क्या होता है, नाव में ही चलते हैं ज्यादातर बिजनेस करने के लिए, कोई सामान लेकर के एक शहर से दूसरा शहर जाते हैं, पहले ऐसे ही नियम था, नदी मार्ग से ही चलते थे, तो रेल मार्ग आदि जो ट्रेन वेन आदि जो जो है ये तो वाहन ये पीछे ब्रिटिश आने के बाद शुरू हुआ है, इसके पहले ज्यादातर सब बिजनेस करते थे नदी मार्ग से। तो एक सौदागर जब भाटा चलता है और ज्वार चलता है, ज्वार माने जब समुद्र से जल बढ़ जाता है ज्वार चलता है, उसको कहते हैं ज्वार, दिन में दो बार ज्वार होता है, भाटा होता है, भाटा में पानी घटना शुरू हो जाता है ऐसा, तो ज्वार के समय चलते हैं, उसमें क्या है नाव को वो ज्वार पानी के बेग से खींच करके ले जाता है, धक्का मार के आगे बढ़ा देता है, और जब भाटी होती है, जब पानी घटना शुरू होता है, तब दूसरी तरफ चलना बहुत कठिन हो जाता है, वो पानी स्रोत जो बेग है ना, पानी घटने के कारण नाव पीछे चलना शुरू हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, भाटी के समय विश्राम करते हैं और ज्वार के समय फिर चलना शुरू करते हैं। पहले ऐसे ही बिजनेस करते थे, सब नाव में चलते थे, सब सौदागर, सौदागर कोई सामान लेकर के एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए नाव ही उनके एकमात्र चलने का माध्यम था। एक सौदागर जा रहे हैं, ठंडी मौसम है, चल रहे हैं कहीं एक शहर से दूसरे शहर, संध्या हो गया, अभी ज्वार खत्म हो गया, भाटी शुरू हो गई है, तो लोग कहीं एकांत में भले भाई नौका रुको, यहाँ रुक करके रोशनी राजी करो करके, फिर जब तक ज्वार नहीं आता है तब तक जा करके विश्राम करो, ज्वार आने से फिर हम लोग चलेंगे। ठंडी मौसम है और कोहल, चारों ओर कोहल, ऐसे कोहल जो कुछ दिखने में आता नहीं है, एकदम कुछ इधर से उधर कुछ दिखता ही नहीं है। तो सौदागर तो वहां एक पुराना स्कूल घर देख करके वहां अपने कर्मचारी को लेकर के वहां रोसे रोसे किए हैं, सब सामान छट्टा बड़े नाव है ना, नाव में सब रखते हैं, रोसे किए हैं, खाना वाना खा करके रात हो गया, रात हो करके वहां विश्राम कर रहे हैं। इधर जब ज्वार आ गया तो हल्ला हो जाता है, अरे भाई उठो 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 उठो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, माने ज्वार के समय जितना जल्दी हम निकल जाएंगे उतना जल्दी हम आगे पहुंच जाएंगे, है ना, क्योंकि भाटी के लिए तो हमको इंतजार करना पड़ेगा, भाटी आने से फिर हमको चलना मुश्किल हो जाएगा, ज्वार में चलो। इतने में ज्वार आ गया, चलो 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 भाई उठो उठो, नाव में उठो नाव में उठो, ए उठो उठो उठो, अरे ज्वार आ गया, ज्वार आने से कल 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 आवाज होता है, नदी में आवाज होता है, तो जान जाते हैं अभी ज्वार आ गया, तो सब जाके नाव में बैठे हैं, सौदागर सब सामान सट्टा लेकर के नाव में बैठे हैं, कोहल के कारण कुछ दिखता नहीं है, तो चल रहे हैं खूब जोर से चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, अब थोड़ा थोड़ा सवेरा हो गया है, अब सौदागर कहते हैं भाई नाव कहां तक आई है भाई देखो, तो कहते हैं
हुजूर ये तो नाव तो जहाँ के तहाँ ही है, बोले दर ऐसा कैसे होगा, हम लोग 6 घंटे चल के आए हैं, ऐसा होता ही नहीं। बोले नहीं हुजूर ये तो वही जगह है, वही स्कूल है, वही पेड़ है, वही जहाँ पर हम लोग रात को विश्राम की वो स्थान है। अरे ऐसा होता ही नहीं, पागल है क्या, हम लोग 6 घंटे चल के आए हैं, कारण क्या है। सब मालिक भी सौदागर वो भी उठ करके आके देखते हैं, जो भाई वो तो जहाँ के तहाँ वही दृश्य है, वही स्कूल घर है, वही पेड़ है, वही सब कुछ है। अरे कारण क्या है भाई, अरे कारण क्या है, ऐसा तो होना संभव नहीं है, क्या हम लोग भ्रमित हो रहे हैं, क्या कुछ कम दिख रहे हैं क्या। तो कारण क्या है, देखते हैं क्या, जो वो जो नोंगर कहते हैं उसको, नोंगर काटा, काटा को क्या करते हैं, एक रस्सी में बांध करके वो स्थल भाग में रख देते हैं, काटा गाड़ के रख देते हैं, तो काटा वो नाव को आगे बढ़ने नहीं देते है ना। तो काटा को उठाने में भूल गया, काटा को उठाया नहीं, काटा वहां मैंने जल्दी के कारण वो काटा उठाया नहीं, काटा उठाने में भूल गया, तो नाव तो चली नहीं, काटा हुआ खड़ा हुआ है। अरे हुजूर ये काटा तो उठाया नहीं, काटा तो ही गाड़ा हुआ है ना, ये कारण है। तो हम लोग भी ऐसे भजन करते हैं ना, हमारे वासना रूपी काटा संसार में फंसा हुआ है, नाव तो हम नाव में हम चल रहे हैं, चल रहे हैं, बहुत दूर आ गए हैं, रोज प्रतिदिन इतना नाम करते हैं, जप तप ध्यान धारणा उपासना सब स्तुति वंदना सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे वासना रूपी काटा जो है वो संसार कानन में फंसा हुआ है, उठाया नहीं है ना। काटा को उठाना पड़ेगा, कहाँ मन फंसा हुआ है वो देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, मन को बार बार देखना पड़ेगा, अनुसंधान करना पड़ेगा, कौन कौन विषय वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे मन आसक्त है, विचार करके फिर वहां से किस तरह से हटाया जाए उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। फिर महत्पुरुष के सानिध्य में जाकर के तद विद्धि प्रणिपात न परिपृष्ट न सेवया उपदीक्षन्ति ते गणंगणिन तत्वदर्शिना। महत्पुरुष अनुभवी महत्पुरुष के सानिध्य में जाकर के प्रश्न करना चाहिए, हमारी ये स्थिति है, इस स्थिति में हमको क्या करनी चाहिए, कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए, जिस उपाय अवलंबन के द्वारा हम ये संसार कारण से आगे निकल जाएंगे, इसके लिए क्या उपाय करनी चाहिए, तो महत्पुरुष तुमको उपदेश करेंगे। हम लोग उनके एक तो कमी है, अपने आप को बड़े बुद्धिमान समझ लेते हैं, जो हम बहुत बुद्धिमान बहुत जान गए हैं, प्रश्न तो है ही नहीं, प्रश्न करना, प्रश्न करेंगे, हम तो सब जान गए हैं, प्रश्न कैसे करेंगे है ना। ये अज्ञानता ये अभिमान हमारे भीतर बैठा हुआ है, जिस कारण हम समझते हैं हम जो भजन करते हैं ठीक ही कर रहे हैं, हम ठीक ही कर रहे हैं, ये एक अभिमान ये एक अज्ञानता के कारण ऐसे मनोवृत्ति होती है। जब कृपा फलीभूत होता है तो जाके तद विपरीत होता है भावना, हर स्थिति में अपना दोष दिखता है, हमसे हमारे अंदर ये भूल है, हमारे अंदर ये कमी है, हमारे अंदर ये नीच मनोवृत्ति है, ऐसे हर समय अपना दोष दिखता है, एक कृपा के लक्षण है, जब कृपा होती है तो वो अपना दोषे दोष दिखता है, अपने में दोषानुसंधान करता है और दूसरा का गुणानुसंधान करता है, एक कृपा के लक्षण, ये तुम्हारे भजन जीवन में आगे बढ़ रहे हो उसका एक लक्षण है। विद्वान होते हुए भी वो अपने को अज्ञानी समझते हैं, हमारे अंदर बहुत कमी है, हमारे अंदर बहुत कमी है, वो मानते ही नहीं जो हम विद्वान हैं, हम पंडित हैं, वो और जलन होता है जो हमारी विद्वत्ता हमारे बंधन का कारण हो गया, हमारे ज्ञान हमारे अज्ञानता का कारण हो गया, हमको संसार में फंसा के रखा है, और उल्टा वो अपने को धिक्कार देते हैं, ऐसे होता है। कृपा जब होती है तो ऐसे मानसिक ऐसे स्थिति ऐसी होती है ना, ये कृपा के लक्षण है। बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े भजनानंदी भी वो अपना दोषानुसंधान करते हैं, मोह सम कौन कुटिल खलकामी
जहे तन दियो ताहे बिसरायो ऐसा निमक हरामी। शिवदार जी के पद क्या, ऐसे महापुरुष के मुख उद्गीर्ण शब्द, ये क्या एक शब्द मात्र है? नहीं, ऐसा नहीं है।